हेलो गाइस, मैं मंटू सर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा मेन पार्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है लैंग्वेज सेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक बेसिक ग्रामर, बेसिक वर्ब और फिर लैंग्वेज सेक्शन, तो ये कोई अचानक चीज़ नहीं है। दरअसल बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डिमांड था कि सर ग्रामर सेक्शन तो हमने बहुत पढ़ लिया है, अगर बीच बीच में कुछ लैंग्वेज सेक्शन के पार्ट्स को अगर आप क्लियर करते जाएं तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपके डिमांड्स को या आपके जो आपने जो कमेंट्स किया था, है ना, जो मैंने कहा था कि आपके कमेंट्स जो भी आएंगे हम उसको काफ़ी वॉच करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपके डिमांड के हिसाब से ही मैंने बेसिक्स को कुछ क्लियर करने के बाद लैंग्वेज सेक्शन के कुछ पार्ट को मैंने सोचा कि चलो बीच बीच में क्लियर करते जाएं तो बेहतर रहेगा, ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें घर पे, है ना। तो ये जो लैंग्वेज सेक्शन हमारा पार्ट है, इस लैंग्वेज सेक्शन में क्या पढ़ाएंगे आज, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हो जाएगी, तो थोड़ा पहले से उसमें ध्यान देते हैं हम लोग। तो पहले मैं उन बच्चों को अवगत करा दूँ कि लैंग्वेज सेक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो को जो नए विद्यार्थी देखेंगे वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप नए बच्चे हों या पुराने स्टूडेंट्स, इसमें से इतना टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हमें लैंग्वेज सेक्शन है नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब ये आप मान लीजिए कि आपको भी एग्ज़ाम देने के लिए इन सारे समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, है ना, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक एक बात क्लियर कर दी जाएगी। तो लैंग्वेज सेक्शन का जो मेन स्तंभ होता है हमारा, जो पिलर इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना, वो चार सेक्शन में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम है हमारा है सेंटेंस फिलर। सेंटेंस फिलर जिसमें दो चीजें हैं, सिंगल और डबल। सिंगल फिलर जितने भी एसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उन सब में पूछे जाते हैं। डबल फिलर मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि कभी कभी सीजीएल मेंस के एग्जाम में सिंगल डबल फिलर के भी कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी का हमारा जो एक एडवांस फॉर्म है जिसका नाम है पैसेज कंप्लीशन। पैसेज कंप्लीशन कई नाम पुकारे जाते हैं इसको। इसी का नाम है क्लोज टेस्ट, और कई जगह इसी को हम बोलते हैं रैपिड फिलर। रैपिड फिलर तो आप कह रहे होंगे क्लोज टेस्ट, कुछ नया सुना हुआ नाम लग रहा है। सेंटेंस फिलर का मतलब बच्चे लोग समझ आते होंगे, सर सेंटेंस फिल करना है तो सेंटेंस फिलर होगा। लेकिन जब ये क्लोज टेस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर क्लोज टेस्ट में क्या है, मतलब क्या करना है। तो अभी ज़्यादा परेशान इसमें होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, केवल इतना समझ लीजिए आप लोग कि जहाँ एक सेंटेंस में मुझे भरना है वहाँ सेंटेंस फिलर होगा, और जहाँ दिए गए एक छोटे से पैसेज में या कोई पैराग्राफ में जहाँ 10 या 12 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, 5 सेंटेंसेस ये अगर दिए रहेंगे, उसमें से 5-6-10 वर्ड्स लेफ्ट कर देंगे, उन लेफ्ट किए गए स्थानों पे क्या करना होगा, मुझे फिल करना होगा, वही होगा क्लोज टेस्ट, रैपिड फिलर या पैसेज कंप्लीशन। तीसरा पार्ट जो हमारा है उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन किसी को हम पैसेज बोलते हैं। पैसेज, देखिए पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन दोनों क्या है, सेम है। कॉम्प्रीहेंशन बनाए कॉम्प्रीहेंड से, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। तो जिन बच्चों को ये समझने आ गई, इंग्लिश पढ़ने आ गई, वो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। और जो चौथा बेसिकली पार्ट है उसका नाम है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस फिलर जिसमें सिंगल डबल पूछे जाते हैं, पैसेज कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, रैपिड फिलर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज, और चौथा हमारा है रीअरेंजमेंट। तो ये हमारा लैंग्वेज सेक्शन का एक आधार हो गया, जो लैंग्वेज सेक्शन के ही पार्ट में ये इसको शामिल किया जाएगा। और ये चार जो पार्ट हमने लिखा है ये हम चारों को एक पिलर बोल सकते हैं कि लैंग्वेज सेक्शन का पिलर है, फोर पिलर, है ना। तो इस पिलर में से आज जो हमारा मेन पार्ट होगा, जहाँ से मैं अपना ये लेक्चर स्टार्ट करूँगा, जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो कई लोग ध्यान में आता होगा सर पहले को शुरू करना चाहिए सर को क्लोज टेस्ट या फिलर टेस्ट, ऐसे कई बच्चों ने डिमांड भी किया है कि सर पहले क्लोज से पढ़ा दिया जाए। लेकिन क्लोज से पढ़ने का मतलब है कि आपको ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट, जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और फिलर भी सेम बात है, वहाँ वोकैब और ग्रामर दोनों का यूज होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको, मैंने कहा अभी जस्ट कि अगर आपको पढ़ने की अच्छी एक फ्लुएंसी है और समझने की, तो आपसे ये सवाल बन जाएंगे। सेंटेंस का रीअरेंजमेंट जो हम बोल रहे हैं,
इसमें कुछ ग्रामर का कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर हम कॉमन सेंस का अप्लाई करें, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें हम बाय ऑप्शन के माध्यम से, तो ये सवाल मेरे लिए कंपेरेटिवली आसान होता है। तो आज हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, यानी आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से, और उसी में कई तरह के पार्ट होते हैं जिसको हम फिलहाल एक या दो लेक्चर तरह से लेके पढ़ाएंगे। आगे जैसे जैसे इसमें डिमांड्स बढ़ते आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा हमारा, और क्वेश्चन बढ़ने के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को और आगे ब्रॉड किया जाएगा। तो फिलहाल हम बेसिक्स बात करते हैं। इसके लिए मैंने वहां लिखा था रीअरेंजमेंट। अब देखिए इसमें से भी तीन पार्ट होता है। पहला नाम, इसका नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम लोग PQRS 1 के नाम से जानते हैं। सेकेंड को हम लिख सकते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट इन अ पैराग्राफ, जिसको हम PQRS 2 बोल रहे हैं, PQRS लेवल 2। और थर्ड नाम है पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, या फिर सबसे फेमस नाम इसमें होता है पैराजंबल्ड, जो मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग एग्जाम पूछे जाते हैं, ये विशेषकर IBPS या जो SBI एग्जाम होते हैं उसे पूछे जाते हैं। PQRS का जो लेवल टू है ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है CGL मेन CPO के एग्जाम में, जिसमें हम मेन को ही मान सकते हैं स्पेशली, और CDS के एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। इसका जो सेक्शन होता है हमारा वो LDC का होता है, और CGL प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स में भी लेवल 1 का ही स्टैंडर्ड होता है, और कुछ हद तक CPO के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मेन के भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं लेवल 1 से ही, और NDA के सवाल। इस तरह से जो हमारे ये सारे एग्जाम्स की मैंने चर्चा की, इन सभी एग्जाम्स में एक अपना अपना वैरायटी होता है जहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और इसी में अगर हम बात किया जाए तो एक एग्ज़ाम होता है स्टेनोग्राफर का लेवल का, तो वो स्टेनो का जो लेवल होता है वो भी हम संदेश लेने के लेवल 1 जैसा ही कह सकते हैं, यानी स्टेनो का जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं CND ग्रुप, स्टेनो यानी स्टेनोग्राफर का। तो रीअरेंजमेंट जो मैंने नाम दिया है उसमें से सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS लेवल 1 जो स्पेशली इन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इन अ पैराग्राफ, है ना, इसको हम PQRS लेवल 2 बोल रहे हैं, जिसमें CGL और CDS स्पेशली पूछा जाता है CGL मेंस में, जहाँ पे लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं। और पैराग्राफ रिकंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट या पारा जंबल जिसको हम बोल रहे हैं, जो स्पेशली बैंकिंग के IBPS SBI PO या क्लर्क में पूछे जाते हैं। अब देखिए, तो हालांकि हमारा कॉन्सेप्ट जो आपने देख लिया यहाँ पे कि तीन तीन सेक्शन में बढ़ गया है, मतलब ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चर्चा का यहाँ शुरू करें या यहाँ से करें या यहाँ से करें। तो ये ऑब्वियस बात है कि किसी भी चीज़ों की शुरुआत बेसिक पार्ट से होती है, और यहाँ भी इसका बेसिक पार्ट क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS लेवल 1 यानी PQRS 1। तो आइए इन तीनों का हम एक नॉर्मल पार्ट हमारा शुरू करते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट 1। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है आपको, नाम से स्पष्ट हो रहा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देखिए अगर सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, सेंटेंस का मतलब समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ विद्यार्थी इस बात से भी थोड़ा अवगत नहीं होंगे आई थिंक कि सर जो आपने के क्वेश्चन दिया है पैराजंबल्ड के नाम से, ये सारे नाम से, इसमें क्वेश्चन का लेवलिंग कैसा होता है, कैसा सवाल पूछता है। तो मैंने उसके स्टैंडर्ड के बारे में बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जिन बच्चों को अभी ये भी पता नहीं है सेंटेंस क्या होता है, उसे कैसे अरेंज करना है, तो हम यहाँ पे पैराजंबल्ड के क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो बताकर क्या करते हैं। तो एक एक लेक्चर हमारा आएगा,
और उन सभी चीजों में बारीकी से हम क्लियर करते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक आज है वो पहले सेंटेंस क्या है, उसको कैसे रीअरेंज करते हैं, और आपके एग्जाम में सवाल बेसिक क्वेश्चन से कैसे आते हैं और कैसे उसे आसानी से सॉल्व करना है, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी अभी। तो सेंटेंस बराबर हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन यही पार्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट पहले है, बीच में वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट है, मतलब ये दिया हुआ है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, सेंटेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बताइए, अगर मैं वर्ब को पहले कर दूं, फिर मैं ऑब्जेक्ट कर दूं और फिर मैं सब्जेक्ट कर दूं, तो क्या कहीं ना कहीं ये डिसअरेंज हो गया ना, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका अपना जो इसका क्रम था, जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर बिगड़ गया। तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वर्ब को पहले कर दें फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट करें तो ऐसे कोई फॉर्म बनता नहीं है, तो ये गलत होगा। अगर हम ऐसा करें, ऑब्जेक्ट पहले कर दें, फिर सब्जेक्ट करें, फिर वर्ब करें, तो क्या ये बनेगा? क्या नहीं बनेगा? तो इस प्रकार के क्रम जो है सेंटेंस के लिए उचित नहीं होते हैं, अर्थात इसका फॉर्मेशन ऐसे संभव नहीं होता है। तो फॉर्मेशन होता कैसे है? जहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही। तो मेन हमें ध्यान रखना है बस सब्जेक्ट के माध्यम से, ऑब्जेक्ट और क्या, ये जो बीच में पार्ट आया है ना वर्ब, उसके बारे में। तो आप सब जानते होंगे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, आइदर नाउन और प्रोनाउन होते, बहुत कुछ है। याद करिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले वाले जो वीडियो थे हमारे, उसी में बताया था किसी सेंटेंस सब्जेक्ट बहुत सारा काम करता है। लेकिन यहां जो मेन पार्ट हमारा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो आइदर नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन, ये दोनों में बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट भी सेम यही होगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। अगर ये नाउन की हम बात करते हैं या प्रोनाउन की बात करते हैं, तो किसी सेंटेंस में अगर पहले नाउन दिया रहे तो हम इससे स्टार्ट करेंगे और हम प्रोनाउन की चर्चा बाद में करेंगे, है ना? तो इस बात से आप पूरी तरह से अवगत हो चुके होंगे। लेकिन यहां पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि सेंटेंस के इस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये बहुत ही बेसिक बात है, आप चाहें तो इसको हाईलाइट करके नोट भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद मैंने यहां लिख दिया सब्जेक्ट क्वालिफायर, फिर मैंने यहां लिखा वर्ब, अब प्लस आप ध्यान देंगे वी क्यू वर्ब क्वालिफायर, वर्ब क्वालिफायर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप प्लस ओ क्यू, ओ की मतलब ऑब्जेक्ट क्वालिफायर। तो वी से वर्ब क्वालिफायर और ऑब्जेक्ट क्वालिफायर। तो ये जो हमने बात लिखा है ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान लिए तो वाकई में PQRS का लेवल 1 जो क्वेश्चन हमारा है, अगर 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितने भी सवाल पूछे जाएं, आप मुश्किल से एक एक क्वेश्चन को 2-3 सेकेंड या 5 सेकेंड में आसानी से इसको हल कर सकते हैं, है ना? तो क्या करना है इसमें, यानी सब्जेक्ट क्वालिफायर क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट क्वालिफायर का मतलब ये जो सब्जेक्ट यहां पे आया है इसके बारे में यहां जो चर्चा की जाएगी जिस किसी माध्यम से भी, वो सब्जेक्ट क्वालिफायर होगा। वर्ब की चर्चा जहां की जाएगी वो वर्ब क्वालिफायर होगा, ऑब्जेक्ट की चर्चा जहां की जाएगी वो ऑब्जेक्ट क्वालिफायर होगा। तो सर आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट क्वालिफायर में यानी सब्जेक्ट की चर्चा होगी कैसे? तो इसकी चर्चा प्रायः दो चीजों से होती है। पहला नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन नाउन। सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से, रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने दो बार देखा है, यानी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट क्वालिफायर बनेगा ना वो या तो एपोजिशन की बात करेंगे या रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो देखिए अब अगर हम यहां एपोजिशन के बारे में बात करें कि एपोजिशन क्या होता है, तो इसके बारे में बहुत ही बेसिक बात केवल आपको ध्यान रखना है कि एपोजिशन उन शब्द को कहते हैं जो शब्द विशेषकर इस सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा हो। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, अगर हम कहें राम, तो राम कौन? राम जो राजा दशरथ के बेटे थे, है ना, यानी द सन ऑफ किंग दशरथा। देखिए ध्यान से, द सन ऑफ किंग दशरथा, अगर हम राम को यहां बोल दें और राम के बाद अगर हम सब्जेक्ट क्वालिफायर की चर्चा करें, अगर यहां मैं लिखूं द किंग ऑफ, सॉरी द सन ऑफ किंग दशरथा, तो जो सन आया है ना सन, ये सन किसके लिए आया है? इस लॉर्ड रामा के लिए आया है, यानी राम के लिए आया है। तो जो सन शब्द है वही क्या है? एपोजिशन है, क्योंकि राजा दशरथ का पुत्र ही राम थे। वर्ब क्वालिफायर,
वर्ब क्वालिफायर जहां पे काम करेगा प्राय एडवर्ब काम करेगा, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि मेन वर्ब के बाद प्राय एडवर्ब आते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, क्योंकि ये बात पहले जान चुके हैं। और जहां जहां ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ध्यान देखिए इसको। तो मेन वर्ब के बाद एडवर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वालिफायर क्या होगा, ये भी सेम बात, यही कॉन्सेप्ट यहां भी जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को विस्तार करने का हमारा एक माध्यम होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्वालिफायर, वर्ब, वर्ब क्वालिफायर, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्वालिफायर। यानी अगर आपके पास सब्जेक्ट दिए हैं तो आपको पहले चुनना होगा वर्ब से पहले कि इसका कहीं क्वालिफायर तो नहीं है। अगर क्वालिफायर जिस ऑप्शन में दिया है उस ऑप्शन लेके आगे बढ़ जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर नहीं है तो वर्ब चुनिए, फिर वर्ब क्वालिफायर देखिए, ये भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट चुनिए और फिर ऑब्जेक्ट क्वालिफायर देखिए। अगर ये तीनों क्वालिफायर में से कुछ नहीं है तो सिंपली क्या देखना है मुझे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस अरेंजमेंट का जो लेवल वन पार्ट हमारा था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। और इसके बाद जो हम काम करने वाले हैं कि एपोजिशन क्या है या रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो इसके बारे में चर्चा आगे बाद में की जाएगी, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पे इसके बारे में बता दूं जो आपको काम आ सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में फिलहाल इतना एक बात जानिएगा कि जो सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं अगर हम यहाँ कर दे हु कर दे, तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है, हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ये चारों हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर इन चारों के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा जी, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों को हम यहां क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो ये बीच में यहां पे हो गया आरपी, आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इसके पहले जो आ रहा है वो नाउन या प्रोनाउन है जिसको हम लोग एंटीसीडेंट बोल रहे हैं। अब इसके हिसाब से आगे वर्ब आएगा, क्या आएगा आगे, वर्ब। मतलब सुनिए, अगर who, whom, which और that इन चारों के हिसाब से जो पहले noun या pronoun आया है यानी antecedent आया है, अगर ये antecedent singular होगा तो आगे verb singular, और अगर ये antecedent plural होगा तो आगे verb plural होगा। फिलहाल इतना ही बात को ध्यान रखना है, बाकी इसके बारे में पूरा लेक्चर आएगा, चर्चाएं होगी और काफी इसके बारे में लंबा डिस्कशन चलेगा, तो वो सब चीजें बाद में होगा। अभी हमका मेरा जो हमारा मेन पोर्शन है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, तो हम उसको ध्यान देते हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा और इसको अगर हो सके तो नोट कर लीजिए, काम आने वाला है बहुत ज्यादा। देखिए, तो आगे इसके बाद अगर बात की जाए तो इसका एक एग्जांपल पहले देख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे वहां क्वेश्चन था राम, अगर हम राम को कुछ और बोल दें कि राम क्या है भाई, द ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम, तो ब्रदर शब्द यहां हो गया अपोजिशन वर्ड और ये पूरा क्या हो गया, अपोजिशन, है ना, नाउन इन अपोजिशन, यानी राम का क्वालिफायर हो गया। राम कौन, राम द ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम का भाई, क्या करता है, पढ़ता है, रीड्स, रीड्स क्या हो गया, वर्ब। राम यहां क्या था, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, एसक्यू, सब्जेक्ट क्वालिफायर, रीड्स कैसे पढ़ता है, हरिडली, हरिडली तेजी से पढ़ता है, ये हो गया वर्ब क्वालिफायर। क्या पढ़ता है, अ बुक, किताब पढ़ता है, किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन सी किताब पढ़ता है, हम यहां लिख सकते हैं इसको, विच इज रिटन बाय, विच इज रिटन बाय डॉक्टर ए के सिंह। मैंने ऐसे कोई नाम ले लिया जो ए के सिंह द्वारा लिखी गई किताब है वो उसको पढ़ते हैं, विच इज रिटन बाय डॉक्टर ए के सिंह। अब देखिए, तो ये जो शब्द यहां आ गया ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्वालिफायर हो गया, यानी बुक के बारे में बता रहा है कि जो ए के सिंह द्वारा लिखी गई किताब है उसको वो पढ़ता है। तो हमारे पास सेंटेंस बहुत छोटा था, सेंटेंस क्या था, अब देखिए बड़ा से छोटा करते हैं, सेंटेंस था राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। तो सेंटेंस मेनली ये हमारे पास है, राम रीड्स अ बुक, इस सेंटेंस को मैंने ब्रॉड कर दिया, राम कौन, राम द ब्रदर ऑफ श्याम, क्या करता है, रीड्स पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, हरिडली तेजी से पढ़ता है,
क्या पढ़ता है? अ बुक पढ़ता है, कौन सी बुक? विच इज रिटन बाय डॉक्टर ए के सिंह। तो क्या सेंटेंस बड़ा हो गया ना? तो अगर हमारे पास ये इन सारे चीजों का नॉलेज होगा तो सेंटेंस को हम बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथों में होता है। ठीक है, तो मेन जो पार्ट हमारा है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के काम करना है और ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे पीक्यूआरएस के सवालों को हम काफी आसान तरीके से, यानी कि मुश्किल से 2 से 3 या 4 सेकंड में उसको आसानी सॉल्व करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला हम लिखा है यहाँ पे अलेक्जेंडर, कौमा दिया है, फिर पी क्यू आर और एस। क्वेश्चन का लगभग फॉर्मेट इसी टाइप से होता है। तो हम आगे देखते हैं, इसमें लिखा है वाज, मतलब पी नंबर लिखा है, वाज अ डिसाइपल ऑफ, वाज अ डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, इसको पढ़ते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद बी में लिखा है हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर, हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर। उसके बाद आर में जो लिखा गया है, आर नंबर में, हुम हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेज, द वर्ल्ड एक्नॉलेजेज, एक नॉलेजेज, हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेजेज एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, फिलोसफर। और एस नंबर जो पार्ट है हमारा, उसमें लिखा है द वर्ल्ड हैज एवर नोन, द वर्ल्ड हैज एवर नोन। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में दिया गया है पी क्यू एस आर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया गया है क्यू पी आर एस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो यहाँ दिया गया है आर पी क्यू एस, और ऑप्शन डी की अगर बात किया जाए तो वहाँ लिखा है एस क्यू पी आर। ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए, अगर इसको सॉल्व करने की बात की जाए तो हम काफी ये आसान सेक्शन है, बहुत ज्यादा आसान, कुछ भी ऑप्शन बना मुझे उससे मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन काफी आसानी बन जाएगा। आसानी सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ क्या लिखा है अलेक्जेंडर, यानी सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है कि वन नंबर में ये फिक्स कर दिया है कि पहले यही होगा, अब पी क्यू आर एस को आप अरेंज करिए। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि आपके पास ये भी गैप करता है, मतलब इसको नहीं देता है, अब आपके पास क्या बचाता है पी क्यू आर एस, इसी में से चूज करना होता है। तो अगर ये नहीं देगा, मतलब मुझे पी क्यू आर एस से ही चूज करना है, तो हमारा पहला काम क्या होगा, सब्जेक्ट चुनना, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के रूप में काम करता है नाउन या प्रोनाउन काम करता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर चूज कर दिया है। कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो बताया था कि अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो आगे वर्ब चुनना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट चुनना है। तो लीजिए, सब्जेक्ट पहले से फिक्स था हमारा, अलेक्जेंडर दिया हुआ, और वर्ब चुनेंगे तो वर्ब कहाँ दिया है, वाज दिया है, यानी वाज होएगा, यानी आप पी क्यू आर एस कर देंगे, क्योंकि पी से स्टार्ट होने का कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो जो बच्चे यहाँ पे ये गलती कर बैठते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब चुन लेते हैं तुरंत, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट तो सही मान लिए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, और जब किसी सब्जेक्ट के बाद कॉमा का इस्तेमाल कर दे तो वो उसके ठीक बाद वर्ब का यूज करना भी गलत होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई के बाद मैंने कॉमा इस्तेमाल कर दिया, आगे वर्ब कदापि नहीं आएगा। तो क्या आएगा, पहले इस आई को कॉमा के बाद मॉडिफाई करने वाला या क्वालिफाई करने वाला जो टर्म होगा, यानी सब्जेक्ट क्वालिफायर जो होगा, पहले वो आएगा, इसलिए ये सेंटेंस कहना बिल्कुल रॉन्ग है। तो क्या आएगा यहां पर, इस अलेक्जेंडर के बाद हम पहले देखेंगे कि इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है। तो यानी कि अगर हम वाज से सेंटेंस शुरू करते, यानी पीक से शुरू करते, लीजिए आपके द्वारा किया गया जो सही ऑप्शन आपके लिए हिसाब से था, लेकिन वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया, और गलत साबित होने के बाद वो पहला ऑप्शन दिया था। तो अक्सर जो हम पहली बार में सोचते हैं और मुझे लगता है कि यही आंसर सही है, उसका ऑप्शन क्या होता है, फर्स्ट होता है, यानी वो पहले दिया होता है, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, गलत है।
अलेक्जेंडर के बाद द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे दुनिया हमेशा जानती है। तुरंत ये बात आ जा और ये इसको यूज करना ये भी गलत है, मतलब सेंटेंस एस से स्टार्ट नहीं होगा, तो पी से नहीं होगा, एस से नहीं होगा। अब बस ये आर और बस ये क्यू। आर में लिखा है हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, तो इस फिलोसफर को कौन मान रहा है, क्या अलेक्जेंडर फिलोसफर थे या एरिस्टोटल थे, मतलब अरस्तु इसको हम बोलते हैं। तो अगर आप ये जीएस के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो यहां जो एरिस्टोटल के बारे में बात कर रहे हैं ये दुनिया के बड़े फिलोसफर थे, मतलब ये हुम जो आया है वो किसके लिए आया है, एरिस्टोटल के लिए आया है, मतलब कंफर्म है कि सेंटेंस किससे शुरू नहीं होगा, सेंटेंस आर से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है जो ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो अभी तो मैं बताने क्रम में इतना वक्त मैंने दे दिया आपको 10-20 सेकंड, लेकिन जब इसको सोचेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड में आराम से सोच सकते हैं। जैसे कैसे सोचेंगे, अलेक्जेंडर कॉमा था यहाँ दिया हुआ, मैंने बताया था आपको कि इसे मॉडिफाई या क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अलेक्जेंडर कौन, अलेक्जेंडर हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर, क्या हो गया ये हमारा क्वालिफायर हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ उसके बाद, तो अगर आप कह सकते, कई बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं सर अगर क्यू से 2 ऑप्शन होता तब, 3 ऑप्शन होता तब, अरे होता तब ना, अभी तो नहीं है हमारे पास, जब होता तो उसके बारे में फिर और आगे बात करते हैं, आगे बहुत तरह की इसमें चीजें होती है, लेकिन चाहे कितना भी ऑप्शन रहे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन था, हमने आंसर कर दिया, ठीक है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, होता तो आगे फिर देखते। तो हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर, फिर क्या होगा, फिर यहां दिया है अरेंजमेंट, वाज अ डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल, जो कौन है, अरस्तु के शिष्य हैं। फिर उसके बाद आर दिया है, कौन अरस्तु, हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, जिन्हें दुनिया एक बड़े फिलोसफर दासी को मानती है। और लास्ट में आ गया द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी जिसे सारी दुनिया जानती है। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका हो गया। तो आपने अभी देखा एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बताया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, लैंग्वेज सेक्शन के बारे में सारी चीजें चर्चा की गई। ये जस्ट एक स्टार्टिंग फेज था, है ना। आप इस वीडियोस को बहुत ज्यादा 1 से 2 बार इसको जरूर देखने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने यहाँ केवल कह दिया है, मैंने यहाँ नोट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा कही गई जो बातें थी वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, और इसका जो अगला सीरीज आएगा उसमें नंबर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहेंगे, कुछ और रहेंगे, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका अगला सीरीज भी आते रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो लैंग्वेज सेक्शन का एक हमारे दिमाग में भूत सवार था कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये होता है, उन सारी चीज़ों को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। आप इसे देखें और इसे जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें। धन्यवाद आप लोगों का।